मैं पहले आभार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और मेरी प्रशंसा भी की आ, वैसे जो ब्लूप्रिंट हमने नरसिम्हरा को दी थी ये पहले मैंने कितने साल 1970 सौ में मैंने जनसंघ के अधिवेशन में एक स्वदेशी योजना एक मैंने रिपोर्ट तैयार की थी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उसको स्वीकार किया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पार्लियामेंट में पेश किया और पार्लियामेंट में पेश करने के बाद इंदिरा गांधी उसको पढ़कर चिढ़ गई और उसने आ, मुझे तो उस समय कोई नहीं जानता था मैं हार्वर्ड से नया नया आया हुआ था और जनसंघ में उस समय एक इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए ज़रूरत थी तो श्री गुरु जी और संघ के और जनता जनसंघ के नेतागण ने मुझे ये कहा था कि इसको तैयार करनी चाहिए और उसी में जो बातें मैंने कही थी वो लगभग जब हम कॉमर्स मिनिस्टर बने 1990 में एक संकट काल में तो उसी को मैंने अपडेट करके मैंने लागू करने के लिए हमारे जो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट की कैबिनेट में ये 11 मार्च 1999 में ये अडॉप्ट हुआ था परंतु 12 मार्च 1991 में हमारी सरकार गिर गई तो इसको हम क्रियान्वित नहीं कर सके और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब बने तो वो मेरे बहुत पुराने मित्र थे और उस समय बड़ी बीमार भी, भी थे क्योंकि तीन चार हार्ट अटैक्स हो गई थी तो वो मुझे बुलाए और कहा कि तुमने जो ये पेश किया उसका कॉपी मुझे दो इतना ही कहा मैं उस समय सोचा था ये ये व्यक्ति को तो बनाया गया था उस समय क्योंकि कांग्रेस को मजॉरिटी नहीं मिली और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले प्रस्ताव आया था परंतु तो परिवार के लोगों ने उनको सोचा कि ये अनुभवहीन है और थोड़ा पहले पार्टी को तोड़ करके कांग्रेस का मजॉरिटी बना लेंगे उसके बाद इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे उस तक कोई बीमार आदमी को जो बहुत दिन रहने वाला नहीं है उसको प्रधानमंत्री बना दें और इसीलिए नरसिम्हा राव को बनाया था परंतु तो खेत की बात थी उनके लिए कि नरसिम्हा राव का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधरने लगा और उन्होंने ये प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जो मूल बात थी कि डीरेगुलेशन से शुरू करें और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी वो ज़्यादातर डीरेगुलेशन हुई है वो पर्याप्त नहीं है वो एक हद तक ले जाएगी और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो इकोनॉमिक विजन जो नितिन गडकरी की विजन कमेटी की एक दस्तावेज निकलने वाली है इस हफ्ते जिस पर पार्टी के अंदर चर्चा होकर फिर तय होगा कि उसको अडॉप्ट करना है कि नहीं उसकी यह हिस्सा है मनमोहन सिंह के बारे कई बातें कही जाती है जब चंद्रशेखर की सरकार बनी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई इकोनॉमिक एडवाइज़र की जरूरत है कोई आप नाम सुझा सकते हैं मैंने कहा आप क्या लुक देख रहे हैं मैं ऐसा इकोनॉमिस्ट देख रहा हूँ कि जिसको मैं हुक्म दूँगा तो मान लेगा तो मैंने कहा दुनिया में ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट है उसका नाम है मनमोहन सिंह <laughs> और फिर हम मनमोहन सिंह को ढूंढे तो वो देश छोड़कर चले गया था जिनीवा में था तो मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया और इकोनॉमिक एडवाइज़र बने उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं कॉमर्स का सेक्रेटरी मैं कॉमर्स मिनिस्टर भी था कॉमर्स सेक्रेटरी मनमोह मोन्टेक सिंह को बनाना चाहिए मैंने मोंटेक सिंह को बनाया तो तीनों बैठ करके इसको तय किया और जो भी मैं कहता था उसको ड्राफ्टिंग में दोनों बहुत तेज थे और उन्होंने अच्छे ड्राफ्ट तैयार की और उसको नरसिम्हा राव ने क्रियान्वित करने के लिए यानी उनकी जो राजनीतिक शक्ति उन्होंने यूज़ की सूझबूझ इसीलिए ज़्यादा ब्लू तो कोई भी तैयार कर सकता है लेकिन जो राजनीतिक सूझबूझ चाहिए जो जोखिम लेने की साहस चाहिए वो नरसिम्हा राव के पास था तो इसीलिए नरसिम्हा राव को ही क्रेडिट जाना चाहिए मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं लोग कहते हैं कि न, अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इस, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं आगे हिम्मत करते हैं यानी ये, ये जो सिंहासन है प्राइम मिनिस्टर का इतनी ताकतवर है शक्तिशाली है क्यों नहीं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कर पाए अब देखिए शक्ति जो होती है उसके लिए मंशा भी चाहिए शक्ति पर्याप्त नहीं है जब तक मंशा नहीं है अब एक सर्कस में जाएंगे तो पिंजड़े के अंदर पांच सिंग होंगे उसको बड़े अच्छे खाना वाना देने के कारण बड़े तगड़े होंगे और इस पिंजड़े के अंदर आएगा एक दुबला पतला रिंग मास्टर और वो पिंजड़े का दरवाजा बंद करेगा और फिर हुक्म देगा ये सिंग ये पांचों सिंगों की ऊपर चढ़ो तो सब ऊपर चढ़ेंगे फिर वो कहेगा मुंह खोलो सब मुंह खोलेंगे फिर अपना उस गर्दन उसके एक एक के मुंह के अंदर रखेगा तो इन्हें ये सोचने की बात है कि ये सिंह क्यों आज्ञा मांगते हैं ये इसको इन टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं लेकिन जब छोटे से हैं इन सिंह को तैयार की जाती है कि हुक्म माने तो मनमोहन सिंह भी सर्कस सिंह है उसको उससे अपेक्षा करना कि वो सिंहासन में बैठने के बाद बदल जाएगा ठीक नहीं है उसकी तो अब लेगेसी तो एक ही है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि क्योंकि इस्तीफा देते तो एक बुद्धू बन जाता प्राइम मिनिस्टर <laughs> तो इसीलिए उनको तो कम से कम रोका इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं मैं आज आपको शुरुआत में ये कहने चाहता हूं कि जो टॉपिक दी गई है उसकी विश्लेषण करने के बाद हमें तय करना है कि ये जो सारा गड़बड़ी है हमारे देश में आज अर्थ प्रणाली में वो एक सिम्टम है या वो एक बीमारी है माने जोर हो माने टेम्परेचर हो ये कोई बीमारी नहीं है ये तो एक सिम्टम है बीमारी की तो आज सब कहते हैं इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी बातें जो कहते हैं ज़्यादातर ये सिम्टम है जो प्रणाली के अंदर बीमारी है उसको पहचानना चाहिए और जब तक उसको ठीक नहीं करोगे कुछ नहीं ठीक हो सकता है तो इसीलिए मैंने आ, ये बीमारी की अध्ययन किया और मैंने देखा कि इसके तीन अवधि में एक ज़माने में जो हिंदुस्तान दुनिया के सबसे विकसित देश थी और ये तो अब डॉक्यूमेंट भी हो गई है कि हमारे जी डी पी थाउजेंड में चाइना से ज़्यादा था प्रज्ञा प्रमुख दुनिया के सबसे ज़्यादा था और धीरे धीरे हम घटते घटते उन्नीस में दुनिया के सबसे गरीब देश बने अब बाहर से लोग आए लूटे ये इससे हमारी देश की विनाश नहीं हुआ यानी अर्थ प्रणाली का विनाश नहीं हुआ जो अंग्रेज़ों ने किया वो उसकी जो जड़ में आज भी बीमारी है यानी एक एक शरीर के एक एक कोने में हमारी अर्थ प्रणाली के शरीर के कोने कोने में बीमारी है उसका हमें पहचानना चाहिए अब आ, अंग्रेजों ने क्या किया उन्नीस सौ में जब हमारी स्वाधीनता की पहली संग्राम हुई उसमें उन्होंने देखा कि ये जो किसान हैं ये रानी झांसी और अन्य लोगों के साथ दे रहे हैं और अठारह सौ अठारह सिर्फ उत्तर भारत में नहीं हुआ तमिलनाडु में भी वेल्लोर में शुरुआत तो एक प्रकार से वेल्लोर में हुआ था तो सारे देश में विद्रोह हुआ था और उसमें किसानों ने साथ दिया तो किसानों का कमर तोड़ने के लिए उन्होंने अठारह की जो विद्रोह है उसको समाप्त समाप्त करने के बाद पराजय हमारी राष्ट्रवादी शक्तियों को पराजय करने के बाद उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम शुरू की थी जमींदारी सिस्टम में ज़मींदार किसको बनाया दुनिया भर के जो देश भर के जो क्रिमिनल्स थे उनको बनाया उनको अधिकार दिया और कहा कि जितना साधन तुम्हें इनसे लेना है किसानों से ले सकते हो परंतु तो हमें हमारी खर्चा के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट विदाउट फेल देना है नहीं तो तुम जमींदार नहीं रहोगे तो इनको जब ये छुला खुला छूट दिया इन्होंने तो यानी सारा किसानों की जो हाल की उसमें उनको बंधुआ मजदूर बनना पड़ा किसी को किसी को आत्महत्या करना पड़ा और धीरे धीरे हमारी जो कृषि है वो घटते गई रेट उसकी ईल्ड पर एकर देखेंगे तो घटते गई और उसमें आप जिन प्रदेशों में प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ एग्रीकल्चर ब्रिटिश राज से बहुत अच्छा है देखो मैसोर ले लो पंजाब ले लो तो ये कंपैरिजन मैंने एक स्टडी में भी की है और उन्नीस में एग्रीकल्चर के पास कुछ नहीं था और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत इकोनॉमिक मॉडल जो बिल्कुल हमारे देश के लिए उचित नहीं था अनुकूल नहीं था उसको उन्होंने थोपा महात्मा गांधी कृषि को प्रधान कृषि प्रधान आ, अर्थ प्रणाली चाहते थे और परियोजना चाहते थे सरदार पटेल भी तो महात्मा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद सरदार पटेल की भी देहांत तो हो गई तो सर्वसर्व बन गए जवाहरलाल नेहरू अब जवाहरलाल नेहरू को तो किसी की बात नहीं सुनते थे कभी कभी एडविना माउंट की बात सुनते थे <laughs> और इसमें कश्मीर बेड़ागढ़ हुआ कश्मीर का तो अब मुझे आश्चर्य होता कि इतने सालों के लिए जवाहरलाल को जवाहरलाल नेहरू को इतना मानते आए हैं जो लोग जिन्होंने योगदान किया उसको तो हम भूल भूलते गए नरेंद्र मोदी अब उसको ठीक कर रहे हैं सरदार पटेल को लाने के लिए दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फैमिली से आए 1916 में वो गए मैं इस भूमिका इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी हमारे देश में मंशा को ख़राब की गई है वो गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में मैं तो नाइनटीन में हार्वर्ड में गया तब भी इंडियंस की मान्यता नहीं थी यह सॉफ्टवेयर आने के पहले इंडियंस की बिल्कुल खास मान्यता नहीं थी 1916 में उन्होंने पीएचडी की थीसिस लिखी जो आज भी पढ़ने लायक है और उसके बाद इंग्लैंड गए और उनको उन्होंने वो वो लॉ डिग्री ली हिंदुस्तान में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने पहल की लेकिन जीवन भर उनका नाम भीमराव था जवाहरलाल नेहरू गए कैम्ब्रिज वहाँ जाकर फेल हुए वो तो परिवार का परंपरा है और उन दिनों में अंग्रेज़ जो कॉलोनी से आते थे उनको एक खाली हाथ से नहीं भेजना है तो एक जेंटलमैन पास होता था जैसे चिदम्बरम का भी लगभग जेंटलमैन पास ही था जेंटलमैन पास माने फेल हो गए इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए परंतु तो बाहर के लिए कह सकते हैं कि आपको डिग्री मिली है वापस आए हिंदुस्तान और सारे हम हिंदुस्तानी उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अंबेडकर को भीमराव और इनको पंडित जी उल्टा होना चाहिए अंबेडकर को पंडित जी कहना चाहिए और जवाहरलाल को जवाहरलाल कहना चाहिए मैं ये सारी एक हमारी मंशा की आयाम बता रहा हूँ और ये सोवियत मॉडल ने जिसका आधार ये था कि कृषि से रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को फाइनेंस करना ये स्टालिन का मॉडल था रशिया में थोड़ी दिन चली क्योंकि रशिया में जब यह मॉडल लागू हुई थी उस समय कृषि में क्रांति हो गई थी और एक आधुनिक कृषि थी वो तो उसमें से रिसोर्स निकालना आसान था यहाँ तो कोई रिसोर्स ही नहीं था और इसीलिए ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जो भी पब्लिक सेक्टर ने उत्पादन की उसको कोई खरीदने वाला नहीं था और बाद में ये लॉसेस uh, में जाने लगे और धीरे धीरे हमारी थी, ग्रोथ रेट तीस साढ़े तीन परसेंट से आगे नहीं बढ़ सकी जब दुनिया में जापान ये सब दस पंद्रह परसेंट में आगे बढ़ रहे थे अब अब ऑफकोर्स यहाँ हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं uh, सब वामपंथी लोग उन्होंने इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह दिया यानी वो सेक्युलर बात कैसे होगी पता नहीं उसको हिंदू रेट ग्रोथ कहना ये तो कम्युनिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था और जिस देश ने आपको ये मॉडल दिया वो आज देश है ही नहीं सोवियत यूनियन आज 16 देश में बट गया है और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी अब एक हो गया है वर्ल्ड वॉर टू में ध्वस्त होने के बाद उसकी विभाजन हुई विभाजन होने के बाद वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी चुनी और ईस्ट जर्मनी ने सोवियत इकोनॉमिक मॉडल चुनी और तानाशाही और 1990 में दोनों जब एक हुआ तब पता लगा कितना फर्क हो गया है जो एक थे सब महाम्र में नष्ट होने की दृष्टि से भी वो एक थे 1990 में वेस्ट जर्मनी डेवलप्ड कंट्री और ईस्ट जर्मनी पिछड़ा कंट्री आज भी आप जाओगे तो ये दिखाई पड़ेगा ईस्ट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कंपैरिजन करोगे वो भी है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो मॉडल है इसने हमें पीछा रखा और 1990 में जब क्राइसिस हुई तब और उस समय सोवियत यूनियन भी सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गई और सोवियत का इन्फ्लुएंस भी हमारे देश में ख़त्म हो गया तो हम लोगों को थोड़ा रात राहत मिली और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे सोचे और सिर्फ डी रेगुलेशन नरसिंह राव ने कुछ नहीं किया सिर्फ़ डी रेगुलेशन किया और ग्रोथ रेट आठ परसेंट तक चले गई थी लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि नरसिम्हा राव की गलती थी कि उन्होंने डी रेगुलेशन करके निहित स्वार्थों की आमदनी को समाप्त कर दी जो कोटा में कमाते थे लाइसेंस बेच कर आ, कमाते थे और सारे कांग्रेस पार्टी में लोग थे क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस चाहिए तो रूलिंग पार्टी में होना चाहिए तो ये सारे कांग्रेस पार्टी की जो टाउट्स थे जो आ, दलाल थे उन सब की आमदनी खत्म हुई और इसीलिए सारे अगेंस्ट हो गए इसके और चुनाव में इनको हरा दिया लेकिन आज जो हमें चाहिए वो है बीमारी को पहचानना कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी सुधरती गई अब आप जानते नहीं हैं कि 1996 में एक खिचड़ी आई थी देवागोड़ा की देवागोड़ा की नाम कर्नाटक में उसको नेल्सन मंडेला कहते हैं तो मैंने कहा कि उसका क्या है संबंध नेल्सन सर मंडल नेल माने कन्नड़ा में और तमिल में कृषि का जमीन निल और आ, सन माने बेटा तो सन ऑफ फार्मर हाँ मंडे इला माइन्स मंडे माने ब्रेन इला माने नहीं है अब उ, उसमें ग्रोथ रेट घटने लगी फिर गुजराल आए घटने लगी तो जब इनडीए बनी तो ये लेगेसी हो गई और उसको ठीक करते करते द, 2008 में 2004 में जब ग्रोथ रेट 8.4 परसेंट थी तब ये आए और ये जाते जाते इसको 4.8 परसेंट कर दिए हैं, ये है लेगेसी इनकी आज अब ये अमेरिका में हुआ उसको कहते हैं अमेरिका का जो क्राइसिस है वो दूसरा है वो हमसे जो हमारे कारण हमारे देश में जो कारण हुआ जिस कारण से हुआ है वो अमेरिका से उसका सीधा नहीं जोड़ सकते अमेरिका में क्राइसिस क्या हुआ कि ये जो बैंक्स थे वो कर्जा देते थे, थे घर बनाने के लिए अमेरिका में तो बहुत तो लिबरली देते हैं तो इसीलिए घर सबके पास एक एक घर होता है अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो ये सारे एम कंप्यूटर के साथ एम लेकर आकर इन्होंने एक नया डेरिवेटिव बनाया डेरिवेटिव माने जिस तरीके से दूसरे के पैसे के आधार पर आप पैसा कमा सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट वो डेरिवेटिव वो क्या था कि उन्होंने ये सारे लोग गए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स गए बैंक के पास कि आपने कर्ज़ा दी है घर खरीदने के लिए तो वो सारा अमाउंट तो लॉक हो गया हर महीने आपको कलेक्ट करना होता है तो हम आपको प्रपोज़ल देते हैं कि ये जो सारा मॉडगेज है उसको टेन परसेंट डिस्काउंट में हमें दे दीजिए हम किस्तें कलेक्ट करेंगे और हम आपको नाइन्टी परसेंट जो अमाउंट आपने कर्ज़ा में दी उसको आपको दे देंगे तो बैंक को कैश मिल गया जो पहले फ्रोज़न था क्योंकि उन्होंने कर्ज़ा में दी थी और इन लोगों ने उसको टेन परसेंट कम करके ले ली तो उनका कमाई भी हो गई और तो फिर बैंक ने कहा कि हाँ इतना पैसा दोबारा आ गया तो इसको फिर कर्ज़ा में दो तो फिर कर्ज़ा में दिया और इस साइकिल चलते गई तो जो कर्ज़ा लेकर वापस करने वाली की संख्या ख़त्म हो गई तो इन्होंने फिर रिस्क लेने लगे उस रिस्क में उन लोगों को दिया जो कभी वापस नहीं कर सकते हैं और थोड़ा इकोनॉमी में रिसेशन का टर्न आया तो जिन लोगों ने घर खरीदा सब ने कहा कि हम हम वापस नहीं कर सकते और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे सब कलेप्स हुए क्लोज डाउन हुए और अमेरिका और इंग्लैंड का स, इसका बिल्कुल रिश्ता था बैंकों की उससे लिए ये इंग्लैंड में ट्रांसफ़र हुआ हमारे देश में इसका कोई असर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ इसीलिए क्योंकि हमारे बैंक आ, Uh, इस प्रकार के काम नहीं करते थे रिजर्व बैंक उनको परमिट नहीं देती थी प्रॉपर्टी एक्सपोजर हमारी बैंक्स के सबसे न्यूनतम थे लेकिन हमारे देश में दूसरी प्रॉब्लम थी वो था करप्शन करप्शन माने क्या पैसा है रुपए आ जाते हैं बोरी बोरी में कंटेनर आजकल तो कंटेनर में आते हैं और उसको वो विदेशों में थोड़ा रख लेते हैं बाकी को हवाला के जरिए वो विदेश में जमा करते हैं हवाला ऑपरेटर उनको दुबई में ले जाते हैं दुबई में वहाँ वो टेलीफोन करते हैं कि फ़लाना मिनिस्टर है उसका बैंक अकाउंट का पासवर्ड यह है और इतना पैसा हमारे पास आ गई आप उसको डॉलर इक्वलेंट में उसको जमा कर दीजिए तो ये विदेश में गया अब सिर्फ मंत्रियों का नहीं सोनिया गांधी उनका बेटा उनके परिवार के अनेक लोग इन सब के जो कमाई थी वो हवाला के जरिए विदेश जाती थी विदेशी बैंकों में जमा होती थी अब स्विट्ज़रलैंड में आप पैसा जमा करोगे ये सीक्रेट अकाउंट में तो वो कर्ज़ा ये ब्याज नहीं देते इंटरेस्ट नहीं देते वो सर्विस चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर दो परसेंट सर्विस चार्ज अब सोनिया गांधी को चिड़ आई कि ये दो परसेंट क्यों मैं दूं तो चिदम्बरम को बताया वो उसका यानी शकुनी है वकील और चोर दोनों एक साथ बन जाए ना फिर तो बड़ा डेंजरस होता है <laughs> तो ये इसने एक पार्टिसिपेटरी नोट तैयार किया ये दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा हमारी जो क्राइसिस है उसका सीधा कारण एकमात्र पार्टिसिपेटरी नोट पार्टिसिपेटरी नोट क्या है कि आपके पास बैंक अकाउंट है स्विट्ज़रलैंड में वहाँ से वन मिलियन डॉलर्स निकालिए कैश में उसको ले जाइए यूएस फाइडेलिटी इन इन्वेस्टमेंट्स या मॉर्गन स्टैंडली या गोल्डमैन सैक्स उनके काउंटर में रखिए और कहिए ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है क्यों इंडियन पासपोर्ट क्योंकि दुनिया में और कहीं पार्टिसिपेटरी नोट नहीं है सब जगह में बैंड है सिर्फ इंडिया में अलाउड है तो वो पार्टिसिपेटरी नोट के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना होता है और देखता है फिर आपको एक पीस ऑफ पेपर देता है जिसमें आपका नाम नहीं है सीरियल नंबर नहीं है डेट नहीं है लेकिन सिर्फ अमाउंट है वो है पार्टिसिपेटरी नोट उसको लेकर आप हिंदुस्तान आइए रिजर्व बैंक को फोटोस्टैट कॉपी दीजिए वो इक, आपको सर्टिफिकेट देगा उस सर्टिफिकेट को लेकर जाकर स्टॉक ब्रोकर स्टॉक स्टॉक मार्केट में आप दीजिए और स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपके शेयर्स ख़रीदेंगे और शेयर्स का यानी ऊंचा जाएगी ऊपर जाएगी वहाँ आप उसको बेचिए तो आप मुनाफा कमाएंगे उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं उस कैपिटल गेन्स के साथ वो रुपये में मिलती है उस रुपए को लेकर रिजर्व बैंक में जाइए और रिज़र्व बैंक को कानून के अनुसार अनिवार्य है उनको आपको डॉलर में देने के लिए वो डॉलर में दे देंगे आप जाकर इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में से भी पूछेगी सवाल कहाँ से आया पैसा कौन सा बैंक से निकाला ये सब लेकिन इसके लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट की है सब एक्ट में कि पार्टिसिपेटरी नोट में सवाल नहीं पूछा जाएगा तो उस पैसा को लेकर विदेश चली जाएगी अब इस तरीके से हमारे देश में जब इकोनॉमी बूम कर रही थी 60 बिलियन डॉलर्स आ गई और 60 बिलियन डॉलर्स उसको हॉट मनी कहते हैं माने कभी भी वो निकल सकती है और रिजर्व बैंक की दायित्व तो है कि आपको उसके लिए फैसिलिटी दे यानी एफ डी आई है तो फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट बेचना होगा यह करना होगा वो करना होगा अनेक परमिशन होती है लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं वो कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है इसीलिए उसको हॉट मनी कहते हैं तो जब ये क्राइसिस हुआ अमेरिका में वहाँ फिर लिक्विडिटी माने पैसा की कमी पड़ी तो यहाँ से सारे पैसा निकली कितने सितंबर 2008 में एक महीने में 25 बिलियन डॉलर निकल गई और अमेरिका चले गई वहाँ के उपयोग में तो हमारे देश में स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ क्रैश होने के कारण सब इकॉनमी पर उसका असर हुआ तो क्राइसिस वहाँ से शुरू हुई पार्टिसिपेटरी नोट को उस समय बैन करना चाहिए था लेकिन मनमोहन सिंह नहीं कर सकते थे क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट सब यूपीआई के लोगों के ही हाथ में था और इसीलिए वो नहीं कर सके और वो नंबर वन बीमारी है तारोपरा कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा था कि पहला कदम है पार्टिसिपेटरी नोट को बॉलिश करो इन्होंने इसकी लापरवाही करी उस सिफारिश को तो एक ये है दूसरा है ये जो देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का पैसा है उसका उपयोग कहाँ होता है विलासी वस्तुओं के खरीदने में प्रॉपर्टी ख़रीदने में घर बनाने में इटालियन मार्बल बाहर से ला के इसको सजाने के लिए एक एक कमरे में एयर कंडीशनर ये सारी विलासी वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है ब्लैक मनी की एक्सपेंडिचर से और उस कारण से मुनाफा उस इंडस्ट्रीज़ की बढ़ती है जब मुनाफा बढ़ती है तो इन इन्वेस्टर सोचता है मैं क्यों कपड़ा बनाऊं चप्पल बनाऊं टूथपेस्ट बनाऊं मैं मुझे तो यहाँ पाँच परसेंट दस परसेंट मिलती है यहाँ तो मुझे तीस परसेंट मिलेगी लग्जरी गुड्स में तो सारे लोग लग्जरी गुड्स में लगा देते हैं फाइव स्टार होटल सेवन स्टार होटल और इन सब यानी प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉपर्टी का दाम क्यों बढ़ते जा रहा है कुछ भी हो बढ़ते जा रहा है ये काला धन की उपयोग होने के कारण तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज उल्टा सुलटा हो गया और सत्तर प्रतिशत हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं देश में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से विलासी वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है तो आम जनता की जो उत्पादन होनी चाहिए वो कम होते जा रही है तो इसीलिए इन्फ्लेशन होना स्वाभाविक है दूसरी तीसरी बात यह है कि सरकार ने अब लीगल कर दिया है कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोटिटी दुनिया में कहीं नहीं है हिंदुस्तान में है माने फॉरवर्ड ट्रेडिंग माने आप जाकर किसान को कहो ये लो पैसा और मैं जो आज जो वर्तमान पैसा है उससे दस परसेंट ज़्यादा देता हूँ जो भविष्य में होने वाला है तो किसान बहुत खुश होकर दे देता है वो किसान तो कैश में ही एक्सेप्ट करता है तो काला धन का भी उपयोग हो जाता है ये खरीद कर इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं कोल्ड स्टोरेज के कारण आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा होती है और इसीलिए एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ते हैं टमाटर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा भी टमाटर की दाम थोड़ी दिन के लिए बढ़ेगी और हर चीज़ के लिए सब्जी हो सारी चीज़ों के लिए चावल गेहूँ सारे इसकी प्राइसेस बढ़ेंगे फिर जब ऊपर चलेगी तो ये सेठ लोग उसको बेचते हैं और उसके बाद दाम आती है तो एग्रीकल्चर प्राइसेस पिछले तीन साल से देखोगी थी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाने वाली है उसका कारण ये है फॉरवर्ड ट्रेडिंग उन्होंने अलाउ किया रुपये का गिरावट क्यों हुई ये बीमारी नहीं है ये संकेत है ये ये इसको कहते हैं सिम्टम रुपये का हुआ क्योंकि रुपए में भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग हुआ रुपये का फॉरवर्ड ट्रेडिंग इलीगल है और लेकिन दो लोग एक दामाद और एक बेटा दामाद तो गैस कर सकते हो कि रॉबर्ट वड्रा है बेटा है चिदंबरम का बेटा चिदंबरम सिंगापुर में बैठा और वहाँ दुबई में वड्रा बैठा है मुझे लगता है वो परमानेंटली वहाँ बैठने वाला है आ, कुछ मामला घर में गड़बड़ हो गई है बट तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा अभी बट ये दोनों वहाँ बैठकर फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे थे रुपए में आपसे दस डॉलर लिया और कहा कितना में लिया चालीस रुपये में लिया और कहा कि मैं पाँच दिन के बाद आपको बयालीस रुपए दे दूंगा और उस रुपए का वो डॉलर जो लिया है उस उसके आ, उसके कारण एक डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो वो बेच देते हैं उनको विश्वास है कि रिज़र्व बैंक मार्केट में डॉलर नहीं डालेगी हमारे पास कितने बिलियन डॉलर्स हैं 377 बिलियन डॉलर्स हमारे रिजर्व्स हैं एक भी डॉलर बाहर नहीं निकाली सरकार ने जब ये गिर रहा था तेजी से रुपए का दाम तब एक 20 बिलियन डॉलर निकाल करके मार्केट में डालते हैं तो ये 40 क्या ये तो फिर 30 रुपए, 30 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच जाती है। आज भी मैं कहता हूं कि जब भविष्य में मोदी की सरकार आएगी सही पॉलिसी से रुपए का जो असली दाम है जिसको परचेजिंग पावर पेरिटी कहते हैं मेरी राय में रुपए का असली दाम आज दस रुपया पर डॉलर है और इसको धीरे धीरे वापस ला सकते हैं तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सारी चीज़ की बीमारी भ्रष्टाचार है और इसीलिए आज हम जब प्रोग्राम बनाते हैं इसको ठीक सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम इलाज क्या है इसका समाधान क्या है ये हमें ढूंढने समय पहला मैं ये कहूंगा कि जो निराशा आज हमारे देश में है हमारे देश में निराशा बहुत जल्दी आ जाती है मैं जब इमरजेंसी लड़ रहा था लोग कह रहे थे इमरजेंसी तो कभी नहीं जाएगी क्यों लड़ रहे हो तुम आर्म में जाके बैठो आराम से बच्चे बीबी को ले जाओ साथ मैंने कहा क्यों कहने ये तो कहो देखो इस हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी समझता है सब पेट भरने में लगे हुए हैं को कौन डेमोक्रेसी जमझ में आएगी ये ये तो इलेक्शन ये तो इमरजेंसी तो, कभी जाएगी नहीं मुझसे पूछते थे जाएगी कैसे मुझे भी नहीं पता था मुझे इतना पता था कि लड़ना है तो हम लड़े लेकिन एक दिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी अब ये तो मुझे नहीं पता था पहले कि वो डिक्लेयर करने वाली है मैं कहता भी कि ये डिक्लेयर करने वाली है तो लोग सोचें सोचेंगे सोच लेंगे उस समय कि मैं पागल था कि ऐसी बातें कहने के लिए लेकिन इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर इलेक्शन डिक्लेयर किया उस समय निराशा में लोगों ने कहा अरे ये इंदिरा गांधी जीतने वाली है वो तो सारे हमारे लोग अनपढ़ लोग हैं उनको क्या डेमोक्रेसी पता है थोड़े पढ़े लिखे वोट डाल देंगे दक्षिण में वोट डाल देंगे जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं परंतु बाकी जगहों में कोई वोट डालने वाला नहीं है परंतु तो बात तो उल्टी निकली ये अनपढ़ उत्तर भारत ने पूरा सफाया कर दिया कांग्रेस का और ये और ये पढ़े लिखे साउथ इंडिया ने कांग्रेस को का वोट दे दिया तो इसीलिए हमारे देश में ये जल्दी निराश हो जाते हैं इसी इसी प्रकार से आज भी हम शुरुआत में जब मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अभियान शुरू की तो लोगों ने यही कहा कि कभी नहीं जाएगा कोई मिनिस्टर अंदर नहीं जाएगा कुछ नहीं होगा सरकारी भ्रष्ट है सब भ्रष्ट हैं इस तरीके की सी बातें कही गई थी तो आज मैं ये कहता हूँ कि पहला ये जो निराशा है उसको कम करना है उसको कम कैसे की जाए सबसे ज्यादा निराश और उनमें न्याय भी है वह है मध्यम वर्ग उसको उत्साहित करना है इसीलिए हमने सोचा है कि किसी तरीके से उन पर जो टैक्स का बोझा है उसको कम करना है तो शुरू में प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसको कम करना है मैं तो कहता हूँ इसको अपलिश करो और अबालिश करने में यानी किसी को इतराज़ है तो धीरे धीरे कर सकते हैं आज बत्तीस यानी लगभग साढ़े तीन करोड़ लोग टैक्स देते हैं यदि हम टैक्स का ब्रैकेट को एक लाख रुपए प्रति मास कर दें ऊंचा करके तो फिर ये साढ़े तीन करोड़ लोग कम होकर चार लाख होंगे और यदि एक करोड़ लोग का प्रति मास का सीमा बनाएंगे तो सिर्फ चालीस हज़ार रहेंगे अमीर लोग तो ज़्यादा टैक्स नहीं देते क्योंकि उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो इधर उधर कर देंगे सब एग्जामेशन में 1996 तक धीरू भाई ने एक रुपया टैक्स नहीं दिया था वो चार्टर्ड अकाउंट ने सब टेक लिया उसी प्रकार से बिरला ने भी हर साल अट्ठारह हज़ार रुपये अपनी आमदनी दिखाई तो वो देते नहीं हैं और गरीब के पास उतना आमदनी नहीं है तो ये ये जो प्रोफेशनल क्लास है मिडिल क्लास है जो युवा आज अपनी इंडस्ट्री चलाने में चला कर शुरू करते हैं वो लोग वो लोग इनकम टैक्स देते हैं तो या श्योर श्योर ओके तो मैं ये कहता हूँ कि इनकम टैक्स को अबॉलिश करें या ऐसा करें कि जो अपनी आमदनी से पैसे को शेयर सर्टिफिकेट में बैंक डिपॉजिट में जमा करते हैं उसको सारा एग्जेप्ट कर दें टैक्स से उसको घटा करके जो शेष हैं उस पर टैक्स डालें ऐसा कुछ करना चाहिए और धीरे धीरे इनकम इनडायरेक्ट टैक्स में भी थोड़ी सुधार लानी चाहिए ताकि लोगों में जो परेशानी है आज अभी इनकम टैक्स के लोगों के सब यानी मंशा ही ऐसा ही है आपको तंग करने के लिए इसीलिए तो ये वा, केजरीवाल इतना तंग कर रहा है आप लोगों को वो <laughs> वहाँ वा, से तैयार होकर आया है उसका मंशा इनकम टैक्स ऑफिसर का मंशा है तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो लोग लो कहते हैं कहाँ से साधन आएगी इस देश में कोई साधन की कमी है मैं कहता हूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप स्पेक्ट्रम को का करोगे तो आपको सी ने कहा एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपए मिलेंगे मैंने कहा दो लाख करोड़ मिलेंगे टोटल इनकम टैक्स का बिल दो लाख करोड़ है एक ऑप्शन में आप उसको समाप्त कर सकते हैं एक बटा दस यानी स्पेक्ट्रम का ऑप्शन का एक बटा दस का भी ऑप्शन हुआ उसमें अड़सठ हज़ार करोड़ मिली है उसको बजट में जोड़ दिया और इसीलिए कि दिखा रहे हैं कि हमारी फिजिकल डिफिजिट कम हो गई है तो ये स्पेक्ट्रम का अब सिर्फ 2G का स्पेक्ट्रम नहीं है अब तो 3G का भी है 4G का भी है तो इन सब का नीलाम हो गए तो आपको पैसा मिलेगा ये कोयले के जो ब्लॉक्स हैं इसको आप निलाम करोगे तो 11 लाख मिलेगी पाँच साल की इनकम टैक्स को आप वेव कर सकते हैं यदि कोयले के इसका करेंगे और विदेश में हमारे जो नेता हैं बिजनेसमैन हैं इनकी जो अकाउंट्स हैं उसको जोड़ोगे तो 120 लाख करोड़ रुपए विदेशों में उसको वापस ला सकते हैं हाँ ला सकते है। हैं यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन हैं एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में उसमें आ, मुबारक होसनी मुबारक की सारी अकाउंट्स को ले ली गई है मार्कस की ले ली गई है अभी गदाफी की भी आ गई है तो रास्ते हैं परंतु ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनका ही बैंक वहाँ है अकाउंट है तो ये तो नहीं कर सकते ईमानदार नेता आएंगे डिसाइसिव नेता आएंगे तो कर सकते हैं और उसमें किसी को संद, किसको संदेह है डर भी है लोगों को कि नरेंद्र मोदी आएगा तो करने वाला है और, और उनके साथ खड़े हैं बाबा रामदेव वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं तो साधन की कोई कमी नहीं है हमारे देश में तो ये साधन नहीं दूसरे रास्ते बहुत हैं तो इसीलिए अर्धक्रांति एक ग्रुप बनी है अर्थक्रांति उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कह दिया तो लोग घबरा गए कि ये सारा हो जाएगा सारे टैक्सेस को अबॉलिश कर सकते हैं उन्होंने कहा न्याय संगत है परंतु लोगों को भी डोजेज थोड़ा थोड़ा देना होता है तो मैं आज आपको कहता हूँ कि इनकम टैक्स को ऑबॉलिश कर दो तो सारे लोग खुश हो जाएंगे मैं समझता हूँ यहाँ भी सब लोग खुश होंगे तो इस तरीके से साधन जुटा सकते हैं। दूसरा है कृषि आज भी आपका सबसे प्रमुख क्षेत्र बन सकता है क्योंकि बारह महीने आप कृषि कर सकते हैं। उस कृषि को आप आज, आज इन्वेस्टमेंट करिए जैसे गुजरात मॉडल बोलते हैं ना गुजरात में जाकर देखिए कच्छ में रेगिस्थान था आज हरियाली दिखाई पड़ती है सब्सिडी जो देते थे कांग्रेस सरकार नरेंद्र मोदी ने उसको हटा दिया है उनका कहा कि तुम्हें आपको हम मैक्सिमम यानी मिनिमम न्यूनतम 18 घंटे विदाउट इंटरप्शन इलेक्ट्रिसिटी देंगे और 24 घंटे देने की प्रयास करें आज 24 घंटे सबको मिल रही है बिजली <laughs> <laughs> तो यदि आप ऐसे कोई करें जिससे लोगों को लगता है कुछ परिणाम आ रहे हैं आज दिल्ली और नोएडा का जो हाईवे बनी है उसमें सब खुशी से आ, टोल्स दे रहे हैं टोल देकर बीस रुपया बीस रुपया देकर जा जाते आते हैं क्योंकि सड़क इतनी अच्छी है तो आपको पब्लिक को ये लगे हैं कि हमारे पैसे की खर्च हो रही है उसका उत्पादन हो रहा है तो हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है तो हमारी देश उसमें कर सकती है तो विवरण तो बहुत है समय कम होने के कारण मैं कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आने वाली है इसको आप कृपया पढ़िए हमारे देश को उत्साहित होना चाहिए कितनी हमारी क्षमता है पोटेंशियल नॉर्मस है और हमारे लोग जहाँ मौका मिला है वो चमके हैं हमारे देश सॉफ्टवेयर में चमका है अभी जापान में जो प्राइज़ है ऑटोमोबाइल वेयर पार्ट्स की क्वालिटी के लिए फर्स्ट प्राइज़ हर साल हिंदुस्तान पिछले दस साल से ले रही है तो हमारे लोग कर सकते हैं वो विश्वास होनी चाहिए मैं तो आपको कहता हूँ कि हमने हमारी कंप्यूटर के एनालिसिस के अनुसार जो मैंने सितंबर की पोल रिजल्ट्स देखी है दिसंबर की देखी है फरवरी की देखी है जो सैंपल सर्वेस यहाँ के एम्बेसीज में मिलते हैं वो सारे कुल मिलाकर देखें तो आपको मैं कह सकता हूँ मेरा पूरा विश्वास के साथ जैसे मैं पूरा विश्वास के साथ 1977 में कहा कि बीजेपी को 280 से कम सीट नहीं मिल सकती है इस बार और नरेंद्र मोदी के जो निर्णय शक्ति है मैं तो नरेंद्र मोदी को उन्नीस से जानता हूं जब वो विद्यार्थी परिषद में थे पहला मेरा कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ तो तब वो अध्यक्ष थे गुजरात नहीं वो ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे जनरल सेक्रेटरी थे विद्यार्थी परिषद के तो मैंने उस समय से जानता हूँ इमरजेंसी में वो प्रचारक थे तो हमारे साथ बहुत घूमा उन्होंने तो मैं तो उसको जानता हूँ वो तो शुरू से दिमाग बना बनाने के बाद कोई उसको बदल नहीं सकता है और वो किसी से डरता नहीं है तो ये सबसे उपयुक्त समय में आज नेशनल लेवल में आए हैं पोटेंशियल है सिर्फ चाहिए एक मौका ये मौका आपके पास आने वाली है और मैं आपसे कहता हूँ कि भारत के एक पुनरुत्थान होने का पाँच साल के अंदर पुनरुत्थान होने की एक हमें मौका मिलने वाली है इसका हमें स्वागत करते हुए सबका धन्यवाद